श्री गणेश आई नमः। दोस्तों भाइयों बहनों सबको तृप्ति जोशी शाका जय श्री कृष्ण। धर्म ज्ञान मंजरी नाम के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आज मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता का 70वां अध्याय श्रद्धा विभूति योग में जुड़े रह सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर केवल श्रद्धा से यज्ञ करता है उनकी स्थिति कैसी होती है? वो सात्विकी होता है, राजसी होता है कि तामसी होता है? आप मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर जो श्रद्धा है वो तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। मैं तुम्हें आज उसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। हर एक मनुष्य की श्रद्धा के जैसा ही उसका स्वरूप, उसका गुण और उसका स्वभाव होता है। उसके पहले भी हमने कई अध्याय में सत, रजस और तमस के बारे में हमने पढ़ा सुना। जैसे जैसा तामसी मनुष्य, राजसी मनुष्य और सात्विक मनुष्य, जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसा उसका गुण होता है, जैसा उसका स्वरूप होता है, वैसे ही उनका खान पीना भी होता है। सात्विक मनुष्य सात्विक भोजन करते हैं, समय अनुसार भोजन करते हैं, शरीर को पचा पाए वैसा भोजन करते हैं। राजसी मनुष्य खट्टा मीठा तीखा वैसा भोजन लेते हैं। और जो तमस उत्पन्न करने वाले मनुष्य होते हैं वो कोई समय बगैर का खाना खाते हैं, झूठा खाना खाते हैं, वासी खाना खाते हैं, अति सही तमस उत्पन्न हो गंध वाला खाना खाते हैं। वो आगे के अध्याय में हमने देखा। श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में उसके स्वरूप और गुण की बात करते हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अलग अलग स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, सात्विक मनुष्य, राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्य। जैसे सात्विक मनुष्य भगवान, देवी, देवताओं को मानते हैं, वैसे ही तमसी राजसी मनुष्य गणों, यक्षों, ऐसे उन लोगों की पूजन अर्चन करते हैं। और तामसी मनुष्य भूत प्रेत उन लोगों की आराधना करते हैं। बहुत सारे मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन की बात मानते हैं, अहंकार से तप करते हैं, दंभ से तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं कि मैं ही बड़ा दानेश्वरी हूं। उस मनुष्य को तू आसुरी निश्चय वाला जान। प्रत्येक प्राणी का आहार, तप, दान और यज्ञ इस तरह तीन प्रकार के होते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रतिवृद्धि करना, रसवाड़ा, स्निग्ध, स्थिर हृदय को आनंददायक आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय है। खट्टा, खारा, तीखा, शरीर को दुख देना ऐसा गरम, शोक राग को पैदा करना ऐसा खोराक राजसी मनुष्य को प्रिय है। और जो वासी, ठंडा, नीरस, दुर्गंध वाला, झूठा, अपवित्र आहार तामसी मनुष्य को प्रिय है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके जो भी कर्म करता है वो अपना कर्तव्य समझता है और अति से शांत चित्त होता है, और जो विधि पूर्वक यज्ञ करता है, फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्य, हर्षोक न करने वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य सात्विक होता है। और जो अभिमान से यज्ञ करता है, दंभ से यज्ञ करता है, वो राजसी होता है। और जो बिना कोई आयोजन वगैरह, विधि विधान वगैरह, ब्राह्मणों को पूछे बगैर कोई यज्ञ दान करता है वो मनुष्य तामसी होता है।
देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान, पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप है। उद्विग्न न करना, सत्य, प्रिय, हितकारी वचन और स्वाध्याय का जो अभ्यास करता है वो वाणीमय तप है। इस अध्याय में, इसके पहले के जो छठे अध्याय में भी हमने सीखा था कि अलग अलग तप किस तरह से तप किया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, ध्यान धरा जाता है, वैसे बताया है जो शांत चित्त मनुष्य होता है वो शांति से अपना तप ध्यान करते हैं, कोई मनुष्य स्वाध्याय से ध्यान तप करते हैं, और जो मनुष्य मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मा ऊपर से काबू और भावना की शुद्धि से जो मनुष्य तप करता है वो मानसिक तप है। जो फल की इच्छा वगैरह का परम श्रद्धा से योगी पुरुषों के द्वारा जो तीन प्रकार के जो तप है वो सात्विक तप कहा जाता है। और कोई भी मनुष्य सत्कार्थे, मनार्थे, पूजनार्थे, दम पूर्वक जो तप करते हैं, जो मनुष्य अस्थिर नाशवंत तप करता है वो राजसी मनुष्य राजसी तप गिना जाता है। जो दूसरों के अनिष्ट के लिए तप करता है, ध्यान धरता है कि मेरा मुझे अच्छा तो नहीं मिला लेकिन मैं किसी और का भी अच्छा ना होने दूं, उसको हम तामसी मनुष्य के तप गिना जाता है। ऐसे तप को तामसी कहा जाता है। जो मनुष्य कर्तव्य समझकर देश के लिए, देश के हित के लिए पवित्र विचार करके धन देता है, दान देता है, वो सात्विक है। जो सामने वाले मनुष्य के उपकार थे फल ने के उद्देश्य के लिए जो दान करता है या तप करता है वो राजसी तप है। कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, साथ में मेरा भी अच्छा होने वाला है, मुझे भी अच्छा होना ही होना है, उसको राजसी तप गिना जाता है। मनुष्य देश के लिए ना सोचता हो, अपना कर्तव्य ना समझता हो और अयोग्य पात्रों के लिए तप दान यज्ञ करता है, वो देखता नहीं कि वो गुंडे जैसा मनुष्य है उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, या बिना विधि विधान मैंने आगे बताया वैसे जो तप करता है उसको तामसी कहा जाता है। ओम, तत् और सत, ये तीनों शब्द परमात्मा का पर्याय वाचक है। ओम से हम पूरे वेद का ज्ञान मिलता है और ओम से ही वेदों का सर्जन हुआ है। इसीलिए हम तप, यज्ञ, दान, कर्मों को शास्त्र के विधि विधान से वेद को जानकार ओम का उच्चार करता है। जो वेदों को जानता है, जो उपनिषदों को जानता है, जो धर्म के जो पुस्तक को पढ़ा लिखा ज्ञानी मनुष्य है वो ओम का उच्चार करता है। इसलिए तो बहुत सारे श्लोकों के आगे ओम बोला जाता है, अ उ म। ध्यान भी ओम से किया जाता है ताकि हम अंतर आत्मा, शरीर के पेट से लेके सर तक हम उस उच्चार को आह्वान करें, उस उच्चार को बोले ताकि शरीर शुद्धि अपने आप ही हो जाए। तो जो मनुष्य सत्य को जानता है वो ओम का उच्चार करता है, जो मनुष्य वेद को जानता है वो ओम का उच्चार करता है। बहुत सारे मनुष्य फल की इच्छा न रखते और सिर्फ मोक्ष को अपना गतिमान, अपनी जिंदगी को गतिमान करता है, वो तत् शब्द का उच्चार करता है। कर्म तो कर लिया लेकिन किसके लिए कर्म करना है? मोक्ष के लिए। वापस जिंदगी में, संसार में नहीं आना है, भगवान के साथ रहना है, परमात्मा के साथ लीन होना है, वो तत् शब्द का उच्चार करता है। और बहुत सारे मनुष्य उत्तम भावनाओं, उत्तम विचारों के साथ जो मनुष्य कर्म करते हैं उसको सत्य शब्द के साथ जुड़ा गया है। तो इस तरह से तीन शब्द ओम, तत् और सत्। हे अर्जुन, मनुष्य तप, दान, यज्ञ, शुद्धिकरण सब कुछ करते हैं लेकिन अगर मन में श्रद्धा नहीं तो वो असत है। सत का विरोधी शब्द असत। जो सत होते हैं वो मन में शुद्धिकरण अपने आप ही बना लेता है,
आत्मा की शुद्धिकरण करके सारा उनका विचार वैसा होता है, उनका देखा वैसा होता है, उनके कार्य वैसे होते हैं जो मोक्ष तरफ जाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य बिना श्रद्धा तप दान यज्ञ करते हैं, उसको असत कहा जाता है। और उसका जो फल होता है वो परलोक तक नहीं पहुंचता, मोक्ष नहीं मिलता, उसको संसार में वापस उस चक्रव्यूह में आना ही पड़ता है, संसार के भोगों को भोगना ही पड़ता है। और जो मनुष्य ओम तत् और सत को जानता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 70वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।